गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए सारे 16 बच्चे आए, बाकी कहाँ गए? आज हो रहे हैं। चलो जिसको आना है आगे, बाकी धीरे धीरे आते रहना। स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। हेडिंग क्या डली हुई है? हमने कब बोला कि नहीं आएंगे? हम भी बोल रहे हैं। चालू करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं, आज की जो क्लास है इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं टॉपिक ही ऐसा पढ़ा रहा हूं। ये अपनी वॉइस म्यूट करो बेटा, वॉइस म्यूट करो सबके सब, आवाज नहीं होनी चाहिए। सर हां सर, क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा दिख नहीं रहा। यस सर। कल भी प्रॉब्लम आई थी। अरे यार करने से कुछ नहीं होगा सर। कल भी प्रॉब्लम आई थी और इस प्रॉब्लम का मैंने पता भी लगा लिया। प्रॉब्लम ये है कि जो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, ये थोड़ी सी दूर है इस बोर्ड से, तो इस सेटअप को आगे लेना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए वो लाइनें आ जाती है बीच में। आज लो तो सर, थोड़ा सा कष्ट करना ये रहता है। बाकी ये जो सेट लगा रखा है ना हमने, कंप्यूटर वाला कैमरे वाला, इसको आगे करवा दूंगा थोड़ा सा। ये बोर्ड से दूर रह गया थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी तो हो नहीं पाएगा, बिखेरना पड़ेगा सबको। और बिखेरने का मतलब है क्लास का टाइम। बिखेर दो तो क्या? बिखेरे मत बिखेरे, कौन बोल रहा है बिखेरो? नहीं पाएगा, टाइम पूरा ही चला जाएगा हमारा। चलो मैं बोलता जा रहा हूँ, कल से नहीं आएगी ये समस्या, मैं भी करवा दूंगा जैसे ही क्लासेस आ रही है। हाँ बिल्कुल 100%। देखो देखते हो तो पक्का ही होता है, कच्चे क्या होता है, पक्का ही होता है। चलो सर आपको भी भरोसा थोड़ी है, पक्का ही काम होता है। ये देखो सर, इसको ना आगे लेना यार, थोड़ा सा दिखता नहीं बच्चों को। इसमें समस्या आती है, ये लाइनें आ रही ना, कैप्चर कर रहा है बार बार जूम। इसको कल ऐसे करवाना है, जो सेट है उसको यहाँ ले लेना है, दूर है। मुकेश सर आ गया, आप बता सकते हो इनको समस्या? सर क्लियर नहीं दिख रहा। सर को बोलो मोटे लिखे। मैथ्स में तो पूरा दिखता है ना आपको सही? यस सर। मैथ्स में दूसरे रूम में पढ़ाते हैं, इसमें नहीं। कल 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 कर देंगे इसको सेट। अभी अभी तो हो नहीं पाए, टाइम हो जाएगा अभी। हाँ कल हो जाएगा। चलो अब अपनी वॉइस है ना उसको म्यूट करो। कर लिए। हाँ अब सुनो, बोल रहा हूँ ना मैं, बोली पर ध्यान दो, बोली पर। ठीक है सर। हेडिंग क्या है? देखो हम पढ़ रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला हमने पढ़ा संयोजन, फिर वियोजन, फिर कल विस्थापन और द्विविस्थापन। और आज की जो रिएक्शन है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, और ये भी नोटिस कर लेना, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। एग्जामिनर बेवकूफ बनाता है एग्जाम के अंदर, ऑक्सीकरण की जगह उपचयन लिख देगा, उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन, ठीक है, एवं अपचयन। हमें दो दो अभिक्रिया एक साथ पढ़नी है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, क्योंकि दोनों एक साथ चलती है, अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता इसको। हालांकि मैंने उस दिन लिखा था अलग लिखा था, ऑक्सीकरण अलग लिखा था, अपचयन अलग लिखा था, लेकिन इन दोनों को एक ही साथ पढ़ा जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, और ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को बोला जाता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ देखो ध्यान देना, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ने से पहले वो जो कल वाला टॉपिक जो मैंने लास्ट में एंड किया था ना, कौन सा, द्विविस्थापन, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और अगर आपने नोट्स देखे हैं ढंग से तो नोट्स के लास्ट में मैंने लिखा था अवक्षेपण विधि। क्या लिखा था लास्ट में? अवक्षेपण विधि। अवक्षेप क्या होता है? तो एक बार इसको थोड़ा सा छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए इसको डिले कर दो, ऑक्सीकरण अपचयन, थोड़ी देर के लिए द्विविस्थापन में आ जाओ। कल 5 नंबर पर मैंने क्या पढ़ाया था, सॉरी 5 तो आज ही है, कल 4 नंबर पर पढ़ाया था द्विविस्थापन। कौन सी रिएक्शन पढ़ाई थी? द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन में मैंने ये बताया था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के आयनों का आपस में क्या हो जाता है, आदान प्रदान, ठीक है।
और लास्ट में ये भी लिखा था मैंने कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है और अवक्षेप के निर्माण के कारण ही इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण कहा जाता है या अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। देखो कैसे, वो बता दूंगा थोड़ा सा। कल मैंने इसका एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था सोडियम सल्फेट, Na2SO4 की रिएक्शन करवाई थी BaCl2। Na2SO4 की रिएक्शन किससे करवाई थी? BaCl2 से। तो क्या बनेगा, देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। प्लस वाला किसके पास आएगा? माइनस वाले के पास। इधर प्लस वाला किसके पास आएगा? माइनस वाले के पास। तो दो अणु तो किसके बन गए? NaCl प्लस एक और चीज बनेगी यहाँ पर, और वो है BaSO4। Ba बस यही मेरे को समझाना था, जिस पर मैं गोला बना के आया हूँ ना, सर्कल बना के आया हूँ, वो क्या है? BaSO4, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो ध्यान देना, वैसे तो ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकार को, जहां जहां मेरी अंगुलियां जा रही है नोटिस करना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों के आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है, कौन सी भी क्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन। और ऐसी भी क्रियाओं में जो उत्पाद बनेगा ना, उत्पाद, उन उत्पाद में एक ऐसी चीज बनती है जिसको अवक्षेप बोलते हैं, एक ऐसी चीज बनती है जिसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो देखो यहां पर जो BaSO4 है ना, ये अवक्षेप है। BaSO4 यहां पर क्या है? अवक्षेप। NaCl तो सब जानते हैं, NaCl तो नमक है, ये तो लवण है। और यहाँ पर जो बंदा ना BaSO4, ये एक प्रकार का क्या है? अवक्षेप। और अवक्षेप किसे कहते हैं? अवक्षेप का मतलब होता है गंदगी। गंदगी जो जो पानी में नहीं घुल पाता, वो कचरे के रूप में अलग पड़ा रहता है। तो अगर आपने किसी बर्तन के अंदर, नोटिस करना, अगर आपने किसी बर्तन के अंदर NaSO4 और BaCl2 को मिलाया है, तो लवण है ना, वो तो घुल कर तैरता रहेगा और उस बर्तन की तली के अंदर, उस बर्तन के पैंदे में जाकर बैठ जाएगा, कौन? BaSO4। लवण अलग कर लो, BaSO4 अलग कर लो। तो ये स्पेशल आप ध्यान रखोगे, यही क्वेश्चन आता है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है। हर अभिक्रिया में अवक्षेप नहीं बनता, अवक्षेप ओनली कौन सी अभिक्रियाओं में बनता है? द्विविस्थापन। और अवक्षेप बनने के कारण ही द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोल दिया जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। बस यही समझाना था मुझे किसमें? द्विविस्थापन में। और अब चलो किसमें? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। अपना ध्यान मत भटकाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण अपचयन। समझ में नहीं आती है, अगर एक बार दिमाग में आ गया तो आ गया, कभी नहीं निकलेगा। नहीं आया तो नहीं आया। वो कहते ना, पसंद आया तो दिल में, वरना दिमाग में भी नहीं। सुनो, तो देखो आपको एक साथ पढ़ना है, एक तरफ ऑक्सीकरण और एक तरफ अपचयन, एक तरफ ऑक्सीकरण एक तरफ अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन विधियों को हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे पांच प्रकार से पढ़ेंगे। सुन लेना ध्यान से, ऑक्सीकरण अपचयन को हम कितने तरीके से पढ़ने वाले हैं? पांच तरीके से लीड करने वाले हैं इनको, ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारी बुक में वो पांच तरीके नहीं दिए हुए। इससे पहले जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती थी ना, उसमें ऑक्सीकरण अपचयन को पांच तरीके से समझा रखा था। कितने तरीकों से? पांच। तो बच गए तुम दो। तुम्हारी बुक में ऑक्सीकरण अपचयन जो NCERT है, उसमें दो ही तरीके लगा रखे बस। वो तीन तरीके में पढ़ना नहीं, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। क्यों? इसलिए पढ़ाऊंगा कि अगर आप उसको पढ़ोगे ना, उसको पढ़ोगे आप, इसके बाद वाली जो रिएक्शन आएगी ना, कौन सी? रिडॉक्स अभिक्रिया। छठे नंबर पर कौन सी बताई थी मैंने? रिडॉक्स अभिक्रिया। वो अच्छे से समझ में आएगी। रिडॉक्स अभिक्रिया। आवाज बंद करो, आवाज आ रही है? क्या नाम है? ईशा, वॉइस म्यूट करो। देखो सुनो, एक तरफ तो लिखना है ऑक्सीकरण, एक तरफ तो क्या लिखना है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन। थोड़ा सा इधर ही ले लेता हूं, दिखाई नहीं देगा। एक साइड तो लिख लिया हमने ऑक्सीकरण,
ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखना है, अपचय। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में, आप ध्यान देना। ऑक्सीकरण और एक तरफ क्या है, उपचयन, सॉरी अपचय। देखो अब ये टेबल क्यों बना रहा हूं मैं, टेबल में इसलिए बना रहा हूं कि हमें ऑक्सीकरण अपचयन पांच तरीकों से देखना है। पांच कौन से तरीके हैं वो समझाने जा रहा हूं, जब हम पांच तरीके पूरे पढ़ लेंगे तब इन दोनों में अंतर भी हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट इसकी उल्टी चलेगी। तो देखो पहला तरीका कौन सा है, पहला तरीका ये है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, नोटिस कर लेना नाम से ही पता लग रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी कि O2 का जुड़ना, सब समझ में आ जाएगा, बस बने रहो लगातार। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में O2 का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है, आपको ऐसे दिख रहा है कि सर इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ गई आके, तो बिना सोचे समझे बता दो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगर यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, एड हो रही है, तो यहां पर ऑक्सीजन क्या होगी, निकलेगी, मैंने कहा था उल्टी चलेगी, ऑक्सीकरण की जस्ट उल्टी होती है, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। O2 का जुड़ना ऑक्सीकरण, और O2 का निकलना या ऑक्सीजन का निष्कासन कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको ऐसा लगे कि सर यहां से ऑक्सीजन निकल रही है, तो बता दो कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। तो यहां पे आप लिखोगे O2 का निकल, O2 का निकल, ठीक है। ये तो था पहला पॉइंट, ये तो हो गया पहला पॉइंट। वापस सुनो, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकल रही है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, आवाज बंद करो, आवाज ईशा फिर से आपने अनम्यूट किया। हाँ, नंबर दो, नंबर दो है ऑक्सीजन के अलावा, अब ले लो H2, पर H2 क्या होता है, हाइड्रोजन, उल्टा कर दो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। इन सबके एग्जाम्पल लूंगा मैं बाद में, एग्जाम्पल भी लूंगा और आपको बताऊंगा कि देख लो रे ऑक्सीजन निकल रही है, देख लो रे ऑक्सीजन जुड़ रही है, सब चीजें समझ में आएगी। हाँ, यहां पर देखो H2 का निकलना उल्टा चलेगा, ऑक्सीजन से उल्टा हो गया, H2 का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहां पर समझ गए होंगे, H2 का जुड़ना, H2 का जुड़ना। अब देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन ऐड होती जाएगी, कैसे, पहले तो मैं ये बोल रहा था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, अब मैंने डेफिनेशन को लंबा कर दिया, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। आ रही है समझ में, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक वैसे ही ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो कितने पॉइंट हो गए, दो पॉइंट, और मैंने कितने पॉइंट की गारंटी ली थी, पांच, दो तो हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या, वैसे तुम्हारी बुक में ये दो ही है, बस ये तीन बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन काम आएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, और पढ़ लेंगे तो हमें जोर नहीं आ जाएगा। तुम्हारी किताब में दो ही है, ये दोनों, अगर मैं दो पढ़ा दूं तो ये रिएक्शन पूरी हो गई। देखो लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, इजी बुक दे दे, दे जा, ठीक है। सुनो तीसरा पॉइंट ये है, ध्यान से नोटिस करना, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, एक ही बोतल से काम चलेगा, ठीक है, ओके। देखो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, ऋण का मतलब क्या होता है, नाइन्थ में अच्छे से पढ़ गया है वो, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आयन एक ऋण आयन, ऋण का मतलब माइनस, तो ऋण हो चाहे ऋणी हो माइनस वाला, और धनी का मतलब क्या होता है,
प्लस वाला, तो विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण। अगर आपको ऐसे लग रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में कि सर माइनस वाला आके जुड़ रहा है, जैसे क्लोरीन माइनस का होता है, क्लोरीन किसका होता है माइनस का, तो अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं ना ऐसे H2 प्लस Cl2 और इधर क्या बन गया 2HCl, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कौन से अभिक्रिया है, बताओ कौन से अभिक्रिया, फिर आप दिमाग लगाओगे, आप सोचोगे कि क्लोरीन तो माइनस का होता है और माइनस वाला आके इसमें जुड़ गया, तो माइनस वाला आके जुड़ा तो क्या बन गया HCl, दोनों जुड़ गए ना यहाँ पे HCl बन गया, तो माइनस वाला जुड़ रहा है, विद्युत ऋणी तत्व क्या हो रहा है जुड़ रहा है, और अगर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो फिर वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ध्यान रखना ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अलावा ये एक और अभिक्रिया है, सबसे पहले वाली रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी ना संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन, और संयुग्मन अभिक्रिया क्या थी, दो क्रिया कारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये दोनों अभिक्रिया है, ये संयुग्मन अभिक्रिया भी है और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ऐसे तो इधर देखो, अब इसका उल्टा कर दो, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण और विद्युत ऋणी तत्व का निकलना अपचय, तीसरा पॉइंट। विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या कहलाता है, अपचय, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, तीन। पॉइंट नंबर फोर, कुछ नहीं करना, ऋणी की जगह क्या लेना है, धनी लेना, उल्टा करना है, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण, अब मैं लिखूंगा विद्युत धनी तत्व का जुड़ना कि निकलना, उल्टा करना है निकलना, ठीक है। विद्युत धनी तत्व का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और यहां पर क्या आ जाएगा, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। कितने पॉइंट हो गए, चार। अब चार। है पॉइंट नंबर पांच जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिएक्शन को लेकर, रिडॉक्स अभिक्रिया को लेकर, इसके आगे वाली रिएक्शन। ये पांचवा पॉइंट समझाना ज्यादा जरूरी था, और पांचवा पॉइंट ये है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, म्यूट कर ले आवाज, ग्रहण करने पर। देखो कैसे समझाता हूं मैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन लिख दूं मैं तुम्हारे सामने, जिंक Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा एग्जाम में आ गया तुम्हारे, और तुमसे पूछ लिया कि बताओ निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, चार ऑप्शन तुम्हें मिल गए, ऑक्सीकरण है कि अपचयन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, तो विस्थापन द्विविस्थापन तो हो ही नहीं सकते, वो तो कहां से आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या है, जिंक, तो ये तो क्रिया कारक, और ये क्या बन रहे हैं, उत्पाद या क्रियाफल। अब नोटिस करना यहां पर जिंक के ऊपर चार्ज नहीं है, प्लस माइनस नहीं लग रहा, तो यहां पर जिंक के ऊपर प्लस टू आ गया, जिंक के ऊपर क्या आया, प्लस टू, और प्लस टू कब आता है बताओ, प्लस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने पर, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई धातु अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है, ग्रहण करती है, तो उसके ऊपर माइनस आता है, और इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके ऊपर क्या आता है, प्लस। तो यहां पर बताओ जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्यागा तभी तो प्लस टू आया, और जिंक ने जो दो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो कहां पर है, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन, तो साफ साफ पता लग रहा है कि सर इस अभिक्रिया में जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये ऑक्सीकरण है, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक और रिएक्शन लिखूं, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर बन गया Cl माइनस, यहाँ पर क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और उत्पाद में जाके देखो क्लोरीन के ऊपर माइनस आ गया, माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कि ग्रहण करते हैं, बोल के बताओ,
माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कि ग्रहण करते हैं। माइनस तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। तो ऊपर वाले ये ऑक्सीकरण है और ये क्या है? अपचयन है। ऐसे आपको पता लगाना है। देख लो, अब आवाज बंद करो अपनी, बंद करो उज्ज्वल, आवाज बंद करो बेटा। हाँ देखो, ऑक्सीकरण और दूसरे तरफ क्या था? अपचयन। अब देखो पांच तरीके इनको पहचानने के, पांच। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, अगर विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, और अगर विद्युत धनी तत्व निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण है, और अगर अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो भी ऑक्सीकरण है। तो अलग अलग अभिक्रिया आएगी, जैसे जैसे ये वाली रिएक्शन है, ये ऑक्सीकरण है, तो इस वाली अभिक्रिया में इन चार चीजों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन त्यागने से मतलब है। इसमें कौन सा ऑक्सीजन जुड़ रहा है? ये ऑक्सीकरण है ना, और ऑक्सीकरण हम तो पांच तरीके से देख रहे हैं। इसमें कौन सा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें कौन सा हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें कौन सा विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है, तो यहाँ पर आप पता लगाओगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। हाँ, इस पांचवे तरीके से ये कौन सी भी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण भी क्रिया हो गई। तो कोई सा भी तरीका लगाया जा सकता है, वो तो आपको पहचानना है कि कौन से भी क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, किसमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ रहा है, और किसमें विद्युत धनी निकल रहा है, ठीक है, और किसमें इलेक्ट्रॉन त्याग के जा रहा है। इन पांच तरीकों से हम ऑक्सीकरण और अपचयन का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबका एग्जाम्पल लेना है, इन सबका क्या लेना है? एग्जाम्पल। चलो एक एक का एग्जाम्पल उठाता हूं मैं और समझते हुए चलते हैं। एक मिनट, पानी पी लो। चलो देखो एक बार, सबसे पहले एक नंबर पर ले लो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ये उठा लेता हूं एक नंबर पर, एक एक समझा रहा हूं वन बाई वन। O2 का जुड़ना पहले ये पूरा समझाऊंगा, O2 का जुड़ना, फिर O2 का निकलना, फिर S2 का निकलना, S2 का जुड़ना, ऐसे दोनों एक साथ चलेंगे। ओके सर। टेंथ क्लास में टाइम इतनी जल्दी जाता है। देखो सुनो, O2 का जुड़ना नोटिस करना, Pg से रिएक्शन है, C प्लस O2 क्या बना? CO2। दूसरी अभिक्रिया Mg प्लस O2 क्या बना? MgO। इधर 2 लगाओ, इधर 2 लगाओ। तीसरी अभिक्रिया Cu प्लस O2 क्या बना? CuO। इधर क्या लगाओगे? 2। और इधर क्या लगाओगे? 2। ये तीनों अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तीनों अभिक्रिया कैसे बताओ? कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तीनों अभिक्रियाओं के अंदर ऑक्सीजन का समावेश हो रहा है। तीनों भी क्रियाओं में ऑक्सीजन जाकर जुड़ रही है। पहला पॉइंट है O2 का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी भी क्रिया हुई? ऑक्सीकरण। तीनों की तीनों भी क्रिया कौन सी भी क्रिया? ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया और CO2 बन गई। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है ना, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया और MgO बन गया। कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया और क्या बन गया? CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो तीनों की क्रिया कौन सी भी क्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट ले लो, O2 का निकलना, O2 का पॉइंट एक ही चल रहा है, ध्यान रखना पहला पॉइंट चल रहा है। तो ये तीनों की तीनों रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? इन तीनों का सेम आंसर है, कौन सी अभिक्रिया है?
ऑक्सीकरण। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये ऑक्सीकरण क्यों है, तो तुम्हारा आंसर यही आएगा, सर इनमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इनमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एड हो रहा है, बस यही रीजन है। पहला पॉइंट है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सर इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, कहां त्यागे जा रहे बताओ, ये वाला लॉजिक लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। इसमें कौन सा लॉजिक चिपकाओगे, O2 का जुड़ना, क्योंकि दिख रहा में साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन जाके क्या हो रही है, जुड़ रही है। अब ये वाला ले लो, अब चैन के लिए O2 का निकलना, ठीक है, O2 का निकलना। अब ध्यान देना, O2 का निकलना क्या है, एक रिएक्शन ले लूं मैं 2KClO3, 2KClO3, और इसमें क्या बना 2KCl प्लस 2O2, 3O2, देखो एक बार रिएक्शन को ढंग से देखो, 2KClO3, 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, पोटेशियम, समझ में नहीं आए तो मेरे को टोक देना एक बार, मैं और भी तरीका लगा दूंगा, दूसरा दूसरी रिएक्शन ले लेंगे। हाँ ये क्या है, KClO3, KClO3 और नाम है पोटेशियम क्लोरेट, क्लोराइड नहीं, पोटेशियम क्लोराइड तो KCl होता है, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है। तो देखो पोटेशियम क्लोरेट ये तो है क्रियाकारक, इधर जाकर क्या बने, क्रियाफल, ये तो क्या बन गया KCl, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, इसका पोटेशियम क्लोरेट, इसका पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या बन गए, तीन अणु बन गए ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के कितने अणु, तीन अणु। तो बताओ यहां पर ऑक्सीजन इससे जुड़ रही थी ना, देखो गौर से नोटिस करो, यहां पर ऑक्सीजन किससे जुड़ रही थी, KCl से, KCl से ऑक्सीजन जुड़ रही थी, लेकिन इधर जाकर ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ कि ना, यस सर, आ रहा ना समझे। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन KCl से जुड़ रही थी, यहां पर KCl अकेला हो गया, ऑक्सीजन निकल गई, मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया, ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना। तो ये वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, हाँ अपचयन। तो सोच लेना, समझ लेना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, पांच मिनट में जाऊंगा, सुने गिरधारी कितनी देर में आएगा वापस, कितनी देर में वापस आएगा, अरे भाई आवाज म्यूट कर लेना तू, हाँ ये म्यूट तो कर दी, बीच में डिस्टरबेंस भी क्यों कर रहे हो, म्यूट करके रखो ना पढ़ना है तो। ईशा आप आपके वीडियो को म्यूट करो एक बार, ना वापस आके जाना मेरे पास एक बार, चलो ध्यान दो। तो बताओ पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहला पॉइंट है अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है तो कौन सी भी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, मैंने तो एक एग्जाम्पल समझाया, अगर ऐसे ऑक्सीजन निकलती हुई दिख रही ना आपको, कैसे पता लगाओगे, क्रियाकारकों में तो ऑक्सीजन जुड़ी रहेगी, ये क्रियाकारक है, और क्रियाकारक में बताओ ऑक्सीजन जुड़ रही है, लेकिन क्रियाफल में ऑक्सीजन क्या हो गई, अलग, तो ऑक्सीजन अलग होते तुरंत समझ में आना चाहिए कि सर ये तो अपचयन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। तो एक पॉइंट तो क्या हो चुका है क्लियर, कौन सा, पहला। अब मैं सेकंड पॉइंट उठा रहा हूं, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं,
पहले मैं अभिक्रिया लिख देता हूं और तुमसे पूछूंगा कौन सी ऑक्सीकरण है और कौन सी अपचयन। मैं नहीं बताऊंगा, मैं ही ना कर रहा हूं सारा। पॉइंट नंबर टू, हाँ मैं ये लिखूंगा एस टू का जुड़ना, एस टू का निकलना, मुझे नहीं पता, आप लोग पता लगाओगे। सी एस थ्री सी टू एच फाइव ओ एच सी टू एच फाइव, एक मिनट, सी एस थ्री सी एस टू ओ एच सी एस थ्री सी एच ओ प्लस एस टू। Cl2 plus S2, 2SCl, ठीक है। ये दो रिएक्शन है तुम्हारे सामने, CS3, CS2OH, और ये क्या है, एथेनॉल। क्या नाम है इसका, एथेनॉल। ये वही एथेनॉल है जिसको लोग बड़े चाव से पीते, शराब है ये, एथेनॉल, एथेनॉल। और ये क्या बना, एल्डिहाइड, या इसको मेथेनेल भी बोलते हैं, ये एल्डिहाइड है। अब इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला है या आप बाद में पढ़ोगे। ये एथेनॉल है, ये एल्डिहाइड है, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। रिएक्शन नंबर टू, ये फर्स्ट रिएक्शन थी, ये सेकेंड रिएक्शन, क्लोरीन और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ये बन गया HCl। तो तुम्हारे सामने दो रिएक्शन है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो एक नंबर वाली और दो नंबर वाली। बताओ कौन सी ऑक्सीकरण और कौन सी अपचयन, और जवाब विशेष बता देंगे, कौन सी ऑक्सीकरण कौन सी अपचयन बताओ। एक काम करो, वीडियो ऑन करो, देखो एक बार करो, करो फटाफट करो, जल्दी से सारे के सारे वीडियो ऑन करो। आर्यन, निक्की, उज्जवल, विशेष, मानस, मयंक, कहाँ है, दिख ही नहीं रहा तू, बता दे के ये कौन सी रिएक्शन है।